नमस्कार, मैं पूजा प्रिया लाइव सीरीज गेस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्रि का पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के भक्त उपवास रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। चैत्र प्रतिपदा तिथि को घट स्थापना की जाती है और अष्टमी एवं नवमी तिथि पर कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस बार माँ आदिशक्ति की उपासना का पर्व 2 अप्रैल से शुरू हो गया है। 11 अप्रैल तक इसे मनाया जाएगा। नवरात्रि का यह त्योहार व्रत और पूजा अर्चना के साथ वास्तु दोष दूर करने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि अगर इन दिनों वास्तु के कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो आइए जानते हैं वास्तु के इन उपायों के बारे में। चैत्र नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना से होता है। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना करते समय वास्तु नियम का तो ध्यान रखना ही चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि में अखंड ज्योति का भी बहुत महत्व है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अखंड ज्योति को अग्नेय दिशा यानी कि दक्षिण पूर्व कोण की दिशा में रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक ऐसा करने से परिवार के सदस्यों की बीमारियां दूर होती है और शत्रुओं पर विजय मिलती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी की भी विशेष आराधना की जाती है। चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिन नियमित रूप से घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के चरण अंदर की तरफ आते हुए बनाए। इस उपाय से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और घर में खूब धन और वैभव बढ़ता है। यदि आप व्यापारी है तो चैत्र नवरात्रि में उस उपाय को जरूर अपनाएं। एक कलश में जल भरकर उसमें लाल और पीले फूल डाले। नवरात्रि के दौरान व्यापारी अपने ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर इस कलश को पूर्व या उत्तर दिशा में रख दे। इससे आपके व्यवसाय में तरक्की मिलेगी। जो भी साधक चैत्र नवरात्रि के व्रत रखते हैं या पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें अष्टमी या नवमी को घर में कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराते समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर बैठकर भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन कराएं। ऐसे करने से घर के सारे वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में बरकत आती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।